दुनिया की सबसे पहली विश्वविद्यालय की स्थापना भारतवर्ष में हुई। यह विश्वविद्यालय लगभग 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय रखा गया। यह दुनिया का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था जहां पूरे विश्व के लगभग 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यह 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, जिनमें भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कृषि विज्ञान, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषय शामिल थे। जिस समय पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस का अस्तित्व भी नहीं था, उस समय तक्षशिला आयुर्वेदिक विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ पर शिष्य आचार्य के साथ आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक शिष्य रहते थे। इनकी संख्या प्राय 100 होती थी और अनेक बार तो 500 पहुंच जाती थी। शिक्षा पूर्ण होने पर यहाँ पे परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य किया करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा भी करते थे। सुप्रसिद्ध विज्ञान चिंतक, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं से पूर्ण की थी। 15-16 वर्ष की आयु में छात्र प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला आते थे। शायद उच्च शिक्षा ग्रहण करने की चाह चाणक्य को तक्षशिला खींच लाई होगी। चाणक्य ने शिक्षा पूर्ण करने के बाद तक्षशिला में शिक्षण कार्य किया और अपने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर थी जहां पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। 4वीं शताब्दी में भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई और 6वीं शताब्दी तक आते आते यह विश्वविद्यालय पूरी तरह नष्ट हो गया। उस काल में तक्षशिला एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था जो सिंधु नदी के किनारे बस एक नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान, विशेषज्ञ, शिक्षकों के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों के पुत्र, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बेटे आते थे। तक्षशिला पाकिस्तान में है। पुरातत्व खुदाई में विश्वविद्यालय का पूरा चित्र उभर कर सामने आया है। तक्षशिला में 10,000 से अधिक छात्रों के आवास व पढ़ाई की सुविधाएं थीं। शिक्षकों की संख्या का अनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता है।